हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज, ए ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक टू द व्हीकल ऑन ए सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल 400 मीटर अहेड। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक, व्हीकल वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, ओके, एंड इट स्टार्ट्स रिटार्डिंग विद एन एक्सीलरेशन 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल आफ्टर 1 मिनट फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट से 1 मिनट पहले आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन का केस है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख लीजिए या फिर आप यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लिख लीजिए। ठीक है, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में बस फर्क ये है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब बॉडी की वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेट करने का मतलब, और रिटार्डेशन करने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक टू द व्हीकल ऑन सीइंग ट्रैफिक सिग्नल 400 मीटर ahead। ट्रैफिक सिग्नल देखिए, यहाँ पर आपका कहीं पर सिग्नल है मान लीजिए ऐसे। ठीक है, दिस इज अ सिग्नल। ठीक है, दिस इज अ सिग्नल, यहाँ पर आपका क्या है, कोई ड्राइवर है, ये आपका ड्राइवर है। ठीक है, और यहाँ पर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन कर रखे। ठीक है, अब देखते हैं, 400 मीटर आगे ट्रैफिक सिग्नल है तो ये ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देता है। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक, व्हीकल वॉज मूविंग विद स्पीड। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड गिवन कर रखी कितनी, 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। एंड देन स्टार्ट रिटार्डिंग विद एन विद रेट ऑफ रिटार्डेशन दे रखा, देखिए -0.3 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि रिटार्डेशन कर रहा तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा। द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल आफ्टर 1 मिनट फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट से 1 मिनट पहले कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कार पहले हम देखते हैं कि कितने टाइम, देखिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन कर रखी है, ठीक है, एक्सेलेरेशन आपको पता है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि इसको स्टॉप होना है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन, पहले हम ये देखते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी बिफोर स्टॉपिंग, बिफोर स्टॉपिंग इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। तो देखिए, मैं ये वाली इक्वेशन का यूज करता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करता हूँ, तो यहाँ से देखिए फाइनल वेलोसिटी तो 0 जानी है, इनिशियल वेलोसिटी 15 थी। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलेरेशन आपका -0.3 है, -10 का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -225, 0.3 इंटू 2 करूंगा तो -0.6 इंटू कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल, एस की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/10, इधर आएगा तो 10/6 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी होगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2250/6। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 6 3 18, 4 बचेगा 6 7 42, 3 375 मीटर। तो बच्चों बता सकता हूँ कि ये कार क्या करेगी, 375 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसके बाद आपके रेस्ट पर आएगी। ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेशन इतना है तो यानी कि यहाँ पर कहीं पहुंच गई होगी। ठीक है, कितना डिस्टेंस पर, 375 मीटर कवर करने के बाद ये आपकी यहाँ पर कार क्या जाएगी, फाइनली रेस्ट पर जाएगी। ठीक है, ये रेस्ट पर जाएगी। अब इसका ट्रैफिक सिग्नल से कितना डिस्टेंस और बचा है, 25 मीटर बचा हुआ है। ठीक है, ये आपको पता है, हमसे क्वेश्चन बोला कि डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल आफ्टर 1 मिनट फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट को देखने के बाद 1 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, यानी कि हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट में, देखिए बच्चों इसको पहले हम देखते हैं कि स्टॉप कितनी देर में हुई है। ठीक है, तो देखिए वी हमें पता है 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 15 है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको पता है कितना, -0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए। फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल 15 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन -0.3 इंटू टी कर लेंगे, ऐसे टी कितना हो जाएगा, देखिए 150/3 यानी कि 50 सेकंड। तो बता सकते हैं 50 सेकंड के बाद ही कार क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो 375 मीटर जो उसने ट्रेवल किया है, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 50 सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड के बाद, ठीक है, ये आपकी स्टॉप पे हो गई। ठीक है, अब तो स्टॉप पर आ गई है। ठीक है, तो 50 सेकंड के बाद ये स्टॉप पर आ गई है। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन बोला था डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल आफ्टर 1 मिनट फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, तो फिर तो स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट से कितने डिस्टेंस बचेगी आपकी, 25 मीटर, फिर मूव थोड़ा करेगी, 50 सेकंड पर स्टॉप हो गया। लेकिन 50 सेकंड के बाद 51 सेकंड, 52, 3 सेकंड, कार तो आपके रेस्ट पर आ गई ना, तो ये मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि 50 सेकंड या फिर 1 मिनट के बाद भी ये इतने ही डिस्टेंस पर रहेगी। ठीक है, तो उसकी ट्रैफिक लाइट से कितने डिस्टेंस बची है अभी, 25 मीटर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन, यानी कि 25 मीटर, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सर।